खंडवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर के द्वारा पूनमचंद गुप्ता कॉलेज में महापुरुषों के अपमान को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। नगर मंत्री शुभम पटेल ने बताया कि महाविद्यालय में नियमित अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को महापुरुषों की जयंती तथा पुण्यतिथि मनाने नहीं दी जाती है। हाल ही में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि नहीं मनाने दी गई और नियमित अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के घर पर नोटिस भेजा गया एवं कॉलेज प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जब आज इस संबंध में बात करनी चाहिए तो कॉलेज प्रबंधन ने कोई भी बात करने से मना कर दिया। इससे नाराज विद्यार्थी एवं परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर सांकेतिक धरना दिया और कहा कि खंडवा के शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार की वामपंथी विचारधारा को पनपने नहीं दिया जाएगा और कॉलेज प्रबंधन को चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी परिषद शुरू से ही यहाँ के कॉलेज के अनियमितताओं को उठाते आई है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं यहाँ पे मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर इस विद्यालय में महाविद्यालय में किसी भी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि मनाई जाती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर, जो कि यहीं के लोकल के स्टूडेंट हैं, उनके घर पर नोटिस भेजे जाते हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती है। मतलब इस महाविद्यालय में खंडवा के कि इस प्रकार की हिटलरशाही, इस प्रकार की वामपंथी विचारधारा उत्पन्न होने लग गई है कि इस देश के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाई नहीं जा सकती है क्या? इसलिए विद्यार्थी परिषद ने, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ भी है कॉलेज में, इसके लिए विद्यार्थी परिषद आज यहाँ पर सांकेतिक धरने के रूप में बैठा है और आगे विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर इस आंदोलन को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।